कान्हा, बलदाऊ, उधो, राधा, सब जल्दी आओ, देखो वहाँ। हे राम, कितनी बड़ी सेना है। पर भला इतनी बड़ी सेना हमारे वृंदावन के पास क्या कर रही है? क्या कर रही है? हम पर हमले की तैयारी कर रही है। अरे चुप माधो, जरा जरा सी बात पर डर जाता है। ये सेना तो अभी भोजन की तैयारी कर रही है। क्या? हाँ, वो देखो, वहाँ धुआं उठ रहा है, रसोई पक रही है। हो सकता है कि कुछ पकवान हमारे पसंद के भी हों। क्यों? चलो दाऊ, चलकर देखते हैं। रोज ऐसा खाना मिले तो क्या बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हालत उस खाना बनाने वाले मोटे जैसी होगी। सारा खाना भला कहाँ जा सकता है? जाओ, जाकर पता करो कि खाना कैसे गायब हुआ है। वो रहे, चलो पकड़ो उन्हें। कल जो महाराज जरासंध की सेना का खाना चुराया था ना, आज उसका दंड भी मिल जाएगा। ओह, तो ये जरासंध की सेना है, यानी कंस के ससुर की सेना। हाँ, उन्हीं की। अब ले चलो इन्हें सेनापति जी के पास। हाँ हाँ, चलो चलो, हमने कब मना किया है। हम भी उनसे मिलने के लिए बड़े व्याकुल हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। तो तुम दोनों ने ही सारा खाना चुराया, मानते हो? हाँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी पूरी सेना को भूखा रहना पड़ा। खाना तो खाने के लिए होता है ना, कोई भी खाए। अच्छा, इन्हें 100-100 करोड़ों की सजा दी जाए। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक दूसरे से मुकाबला करके इस बात का हल निकाल लें। आप जीते तो जो दंड आप हमें देना चाहें दे सकते हैं, और अगर हम जीते तो आपका सारा खाना हमारा होगा, वो भी तब तक जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे। मुकाबला करेंगे? चलो, इनकी वीरता की हम कद्र करते हैं, तो पहले क्या होगा? तो क्यों ना बलदाऊ अपनी गदा के कुछ गुर आपके किसी सैनिक को सिखाएं? जरूर जरूर, विराट सिंह। Thank you.
मिलने की तैयारी करो। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। ये तो संगीत की तौहीन है। हाँ, एक असुर योद्धा के लिए तो युद्ध की चीत्कार ही सबसे मधुर संगीत होगा। इतना संगीत तो हम भी जानते हैं गंधर्व, कि तुम्हें कुछ शिक्षा दे सके। और इस बात का निर्णय कैसे होगा? उसका तो एक ही उपाय है, द्वंद्व युद्ध। यदि हम पर विजय पा गए तो हम आजीवन तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे, और यदि हार गए तो तुम हमारे। मुझे मंजूर है। अब ये हमारा गुलाम है, इसे पकड़कर हमारे महल में लाओ। आपका इस प्रकार भाग आना उचित नहीं गंधर्व मित्र। यदि आपने उस असुर की चुनौती स्वीकार की है, अब उसे पूरा करना भी आपका धर्म है। आपको स्वयं को उस असुर नरेश को समर्पित कर अपना वचन पूरा करना होगा। स्वागत है गंधर्व गुलाम। प्रणाम असुर नरेश। हमने आपके चर्चे सुने, सो आपसे युद्ध मुकाबले की इच्छा से यहाँ चले आए। मुझे मंजूर है। तुझे नहीं छोड़ूंगा पालक, तू मेरा गुलाम अवश्य बनेगा। परिणाम अनुसार असुर नरेश अब श्री कृष्ण के गुलाम हो चुके हैं। आप हमारे गंधर्व मित्र को अपनी गुलामी से मुक्त कर दें, तो हम आपको अपनी गुलामी से रिहा करना चाहेंगे। हाँ श्री कृष्ण, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। गंधर्व विश्ववासु, आप अब हमारे गुलाम नहीं, मुक्त हैं। और शायद आज हम दोनों भी अपने अपने घमंड और अहंकार से मुक्त हो गए। धन्यवाद श्री कृष्ण बलराम।